हेलो स्टूडेंट, टुडे आई शैल टेल यू अबाउट एंडीवर टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। आज मैं हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बारे में बताऊंगा। बट सबसे पहले जो हिंदी अल्फाबेट में अक्षर होते हैं, लेटर्स, वावेल, कंसोनेंट, स्वर, व्यंजन, उसमें का जो व्यंजन होता है कंसोनेंट क से अज्ञा तक, उसका इंग्लिश सबसे पहले बताऊंगा। देन उसके बाद बिना मात्रा वाले शब्दों का इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो क का जो इंग्लिश होता है कि ख, के, एच, ग, जी, घ, जी, एच, अम, यन, च, सी, एच, छ, सी, डबल, एच, ज, जे, झ, जे, एच, यन, ट, टी, ख, टी, एच, ड, डी, ध, डी, एच, अण, यन, क, टी, ख, टी, एच, द, डी, ध, डी, एच, न, यन, प, पी, ख, पी, एच। ह के लिए पी एच का भी यूज किया जाता है और यह का भी, व, बी, भ, बी, एच, म, यन, य, वाई, र, आर, ल, यल, व के लिए डब्ल्यू का भी यूज किया जाता है या कभी कभी वी का भी यूज किया जाता है, दोनों। स, ये जो बड़ा स होता है इसके लिए यस एच, स, यस, यस, छोटा स, यस, भ, यच, छ, ई, यस, यस, त्र, टी, आर, ज्ञ, जी, वाई। तो ये है हिंदी अल्फाबेट का इंग्लिश में कन्वर्जन। अब इसी के आधार पे हम कोई भी बिना मात्रा वाले शब्द हो तो हम उसको इसी के आधार पे बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं। बिना मात्रा वाले शब्द, करण, चहल, सरस, महा, यह है बिना मात्रा वाले हिंदी वर्ड। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये बिना मात्रा वाले अक्षर है, इसमें बिना मात्रा वाले वर्ड है, इसमें कोई भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है। तो सबसे पहले क, क के लिए किसका यूज किया जाएगा, की का। एक रूल है इसमें कि अगर बिना मात्रा वाले कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका जो पहला लेटर होता है या फर्स्ट लेटर, मिडिल लेटर, उसके लिए उसके साथ हम ई का यूज करते हैं। जैसे क है तो क के लिए की किया जाए, की होता है और इसके साथ ई का यूज करेंगे। मिडिल के लिए भी ऐसा ही करते हैं, मिडिल में र है, र का इंग्लिश क्या होता है, आर, इसके साथ भी ए का यूज किया जाएगा। लास्ट में क्या है, न, न का इंग्लिश होता है यन, लेकिन इसके साथ ए का यूज नहीं किया जाएगा। ए का यूज कब किया जाता है, फर्स्ट लेटर के लिए, मिडिल लेटर के लिए, लास्ट लेटर के लिए ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे ये दूसरा है चहल, सेकेंड है चहल, तो च का इंग्लिश क्या होता है, सी, यच। ऊपर जैसे किया गया वैसे ही सी एच का च,
उसके साथ ए का यूज किया जाएगा सी एच ए, मिडिल में है यच, यच के साथ फिर ए का यूज किया जाएगा, लास्ट में है लॉ, लॉ का इंग्लिश होता है यल, इसमें यल के साथ ए का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि लास्ट वाले अक्षर के साथ लास्ट वाले लेटर के साथ ए का यूज नहीं किया जाएगा, उससे पहले वाले जितने भी लेटर हैं उनके साथ ए का यूज किया जाएगा। जैसे सरस, स का इंग्लिश यस, यस के साथ ए का यूज करेंगे यस ए, र मिडिल में है, र का इंग्लिश होता है आर, आर के साथ भी ए का यूज किया जाएगा ए, लास्ट में है यस, स, स का इंग्लिश होता है यस, अब इसके साथ क्योंकि ये लास्ट में है तो इसके साथ ए का यूज नहीं करेंगे, सरस ये से याद रखें। महक है, म का इंग्लिश क्या होता है यम, इसके साथ ए लगा देंगे तो ए, यम ए, ह का इंग्लिश होता है यच, ए लगा देंगे यच ए, क का इंग्लिश होता है के, अब इसमें केक के साथ ए का यूज नहीं करेंगे तो महक का इसमें क्या हो गया यम एच ए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इंग्लिश हिंदी जो वर्ड है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिना मात्रा वाले कोई भी शब्द हो, बिना मात्रा वाले कोई भी वर्ड हो, उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला लेटर हो, दूसरा लेटर हो, या चार लेटर का हो कोई वर्ड, तो कितने भी लेटर के हों, लास्ट लेटर को छोड़ के उससे पहले वाले जितने भी लेटर हैं उनके साथ ए का यूज किया जाएगा, लास्ट वाले लेटर के साथ ए का यूज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं डियर स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा कि आप सभी अपना होमवर्क टाइम से करते रहें और गार्जियन भी जो हैं वो अपना हेल्प अपने बच्चों को देते रहें। थैंक यू।